हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। यहां पर देख सकते हैं प्रोडक्ट का नेम लिखा हुआ है, प्राइस लिखा हुआ है, यूनिट और टोटल किया गया है। टोटल में हमने फॉर्मूला यूज़ किया है। अब यहाँ पे देखिए, ये कीबोर्ड है, माउस है, LED। अब ये चीज़ें रिपीट भी हुई हैं, जैसे यहाँ पे कीबोर्ड है, ठीक है, यहाँ पर वायरलेस कीबोर्ड है, यहाँ पर भी वायरलेस कीबोर्ड है। पहले पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब पे चले जाइए, फिर यहाँ से पाइवोट टेबल पे जाइए और यहाँ से पाइवोट टेबल पे क्लिक कर दीजिए। आप इसे अलग शीट पे लेना चाहते हैं या सेम शीट पे, वो देख लीजिए। मैं इसको न्यू वर्कशीट पे ले जा रहा हूँ और यहाँ से ओके प्रेस कर दीजिए। जैसे ही ओके प्रेस करेंगे इस तरह की सिनेरियो आपके सामने आएगी। अब यहाँ पर प्रोडक्ट पर टिक कीजिए, प्राइस पर टिक कीजिए, यूनिट पर टिक कीजिए और टोटल करिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि सबका टोटल भी होकर आया है, यानी ईयरफोन अगर 2 यूनिट है तो टोटल 2 यूनिट का कितना प्राइस हुआ वो यहाँ पे कैलकुलेट होकर इजीली आ जा रहा है।